दोस्तों रवा सबसे नमस्ते बा आ स्वागत बा हमार न्यू ब्लॉक में और बहुत गजब पार्क में आयल बानी। हमके जाग मन में नहीं कर सही में इतना गजब लगत बा, जीवन की पहली बार लगत कि हम इतना अच्छा जगह शूट करे आयल बानी अपन वीडियो। और सबसे बड़ी बात बा कि चाचा बनौले बने पूरा पार्क के, तो आपके दिमाग में कैसे आया इतना गजब बना देले बानी, एकदम अद्भुत लगत है। अरे हमको 20 साल हो गए हैं काम करते हुए, सारा जितना डेकोरेशन है सब हम ही किए हैं, हम सुपरवाइजर हैं, सब पूरा आदमी हमारे अंदर में काम करते हैं। हाँ पूरा कटिंग दवाई मेंटेनेंस का जितना काम है सब हम ही देखते हैं सर। हम आप लोग के बताए वीडियो के माध्यम से और चाचा जी बनौले बाटिन पूरा एकदम जैसे कि अद्भुत लगत बा, समझे ना था कि घर बनैले बाना जा कि पेड़ कि देख के लगते ना बा कि पेड़ कि घर है, एकदम अद्भुत लगत बा। अब आई देखी पीपल के पेड़ है, अब आप लोग के बताते हैं पीपल के पेड़ है नहीं है दे छोटका वाला, और देखी कितना गोल गला बनाए बटन, इधर देखी उधर हम आप लोग के पेड़ बतौले रहनी है, हम आप लोग के बतौले रहनी ना उधर एगो पेड़, तो अभी एगो पीपल के पेड़ बताओ थे एकदम ये देख जा एकदम गोल बा है, आप लोग के देखे में लगी गोल, ये देखी कहूँ कटिंग पिटिंग और ये देखी ए अद्भुत नजारा। वो जो चाचा रहने हैं वह सब कटिंग वटिंग कैले बा ना, और अच्छा लगत बा, बहुत ज़्यादा खुशी मिलत बा हमके, एकदम हारा 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 हारा। हम पहले वीडियो बनाए ना देखिए, और इनके माध्यम से पार्क में आईनी आ जाते, इनके दिल से धन्यवाद बा, और अपन आशीर्वाद ऐसे बनाए रख जा रहे वालों, थैंक यू धन्यवाद। और ये चाचा बाटनी बताए, ये पारस पीपल है ना, हाँ। इसी पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध जी को अपने मतलब पांच शिष्यों के साथ उनको ज्ञान प्राप्ति मिली थी, इसी को पारस पीपल बोलते हैं। हे जो पीपल का पेड़ हम आप लोग सभी को बताए हैं, चाचा बोल रहे हैं पारस पीपल है, बुद्ध भगवान जी आए थे यहाँ पर तो पांच लोग को ज्ञान दिए, मतलब यहाँ नहीं आए थे, मतलब हाँ। यही पीपल जो है उनके चिड़ियाघर में, मतलब सारनाथ चिड़ियाघर में जो है हाँ। बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है हाँ। वही भी पारस पीपल है, अच्छा मतलब वहाँ पर जो है अपने पांच शिष्यों के साथ उनको ज्ञान प्राप्ति मिली थी, वही पीपल का पौधा ये है पारस पीपल, इसी को बोलते है। हाँ तो बहुत अच्छा लगा था, और ये फूड प्लाजा एरिया है, फूड क्लोथ ये देखिए, जैसे खाना वाना हम लोग खाते है ना होटल पे बैठ के ये बेड है खाने रखने के लिए, ये सीट है लोग बैठते हैं, और ये देखिए मैंने एकदम पार्क के घर समझे ना आत्मा, ये देखिए हमारे गुरु जी लोग भी आए मिलना चाहेंगे नहीं, देखिए खाना गोर रहे हैं, यहाँ पर होटल नहीं खुला है कि आप खाना खाने बैठे हैं, हम खुद भूखे मर रहे हैं तो हम आपको कहाँ से खिलाएंगे, आप हमारे गुरु हैं, आप खाएंगे हमको खिलाएंगे तभी तो हम खाएंगे, न तो हम पानी नहीं छूते हैं आपकी मर्जी बिना, तो खाना कहाँ से खा लेंगे, सांस भी नहीं लेती हूँ, देखिए आप सभी सांस ले रही हूँ क्या मैं, हाँ हम नहीं बढ़ा रहे हैं, आप अपने से अपना भाव बढ़ा लिए हैं। अरे देखिए अब एक बच्चा है 60 साल, उसमें रोना है, हमको रोना आता ही नहीं है दोस्तों, सच में बताऊं तो तभी भी हंसी देती हूँ हर वीडियो में, और अभी आने वाला है एक और है, दो गाना है, दोनों गाना का शूट कर लेते हैं, फिर कभी मन करेगा आने के लिए तो आएंगे, अभी अभी आधा से आधा देखे हैं, आधा भी पूरा नहीं देखे हैं,
वही दस दस कदम बस घूमे हैं, उतने ही में एकदम मन गदगद हो गया है, एकदम खिलखिलाहट आ गया है चेहरे पे, इतना अच्छा लग रहा है, मन ही नहीं कर रहा जाने। अभी 6 बजे बंद कर देंगे लोग, तो अपना वीडियो भी शूट करना है और रिलीज करना है आज ही, तो आप लोग ऐसे बने रहना। और आप सभी को जहाँ तक जाएंगे तहाँ तक वीडियो आप सभी के बीच में लाएंगे, तो सभी को धन्यवाद सुनने के लिए इतना।